वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल A2B2 स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले से ही कम्युनिटी टैब पर पोस्ट करके बताया था कि हम आपको 120 बेस्ट कॉलेज के लिस्ट देने वाले हैं जो कि डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में ही देख सकते हैं कि 120 बेस्ट कॉलेज लिस्ट। दोस्तों, जो भी हम आपको लिस्ट बताने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश का, और ये आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट मिल जाएगा। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, हम आपको इसकी लिस्ट भी प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे आज की हमारी ये क्लास। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली एक वीडियो में ऑलरेडी बता रखा था कि डी फार्मा के गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में 2 से 3 कॉलेज मैंने आपको बताया था जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है डी फार्मा के लिए, जो कि बेस्ट कॉलेज हैं डी फार्मेसी के लिए। वहां पर जो पहला हमारा कॉलेज है वो है जौनपुर में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, और ये आपका जौनपुर में उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, ये कॉलेज है, इसमें कोर्स जो ऑफर्ड है वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी। डी फार्मा जो होता है वो 2 ईयर का कोर्स होता है, और डी फार्मा के लिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर जो है वो सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है। दोस्तों, इसके बाद अगर अगला कॉलेज को हम देखें तो वो है आपका काशीनगर लखीमपुर खीरी में, और ये भी आपका डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स ऑफर करता है, और ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है। तो इनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक पिछली वीडियो में बता रखा था, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं देंगे और आगे हम आपको प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, अगला जो कॉलेज है वो है आपका GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉलेज है वो ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए कॉलेज है, यानी गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पर बॉयज़ जो हैं वो एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि डी फार्मा के साथ साथ बहुत सारे कोर्स अवेलेबल कराता है, जैसे कि MD फार्माकोलॉजी और डी फार्मा, ये 2 कोर्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। दोस्तों, हम जो आपको लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे वहाँ पर आपको ये कॉन्टेक्ट नंबर भी दिखेगा, जहाँ पर आप कॉल करके आप यहाँ की फ़ी वगैरह डिटेल सब ले सकते हैं। दोस्तों, टोटल जो कॉलेज है वो हम आपको 120 कॉलेज बताने वाले हैं, जो कि बताने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, और आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हमें पता नहीं है कि आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर हमको बताना काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा। तो हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे एक वेबसाइट का, जिस वेबसाइट पर विजिट करके आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी कॉलेज अवेलेबल है वो बड़े ही आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको एक हम लिंक प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का एक पेज देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको सीधे इसे नीचे स्क्रॉल करना है जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको कुछ एक पेज देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने लिंक पर क्लिक किया और आपने इस प्रकार नीचे स्क्रॉल किया, नीचे अब आप स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डी फार्मा कॉलेज इन उत्तर प्रदेश सिटी वाइज। यहाँ पर आपको सिटी वाइज या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज कहें, आपको जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो आगरा, अलीगढ़, बाराबंकी, यहाँ पर बहराइच, ठीक है, अलाहाबाद, आजमगढ़, बागपत, बयरामपुर, ठीक है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे, आपको सभी के सभी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो झांसी, जौनपुर, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर, मऊ, ठीक है। दोस्तों, इस प्रकार आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, जो आपका सिटी होगा, यहाँ पर आप नीचे सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, किसी छात्र ने हमें पूछा था कि सर कानपुर के जो कॉलेज होंगे उसको भी ऐड कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो कानपुर देहात देखने को आपको मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके आपके कानपुर में जो भी कॉलेज होगा डी फार्मेसी का, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, एडेड हो, जो भी कॉलेज होगा उसका लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो वेबसाइट है ये काफ़ी एनालिसिस के बाद ही हमने इसको लाया है, तो आपको इससे काफ़ी सहायता मिलेगी।
चलिए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखा देते हैं, मान लीजिए लखनऊ का या फिर मिर्ज़ापुर का, क्योंकि हम मिर्ज़ापुर से बिलोंग करते हैं, तो हम आपको मिर्ज़ापुर का यहाँ पे दिखा देते हैं कि मिर्ज़ापुर में कौन कौन से डी फार्मेसी के कॉलेज हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे मिर्ज़ापुर पे क्लिक करते हैं तो आपको एक नया पेज यहाँ पे ओपन होगा। दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साफ साफ तौर पे कि यहाँ पर आपको एक नया पेज दिखेगा, डी फार्मा कॉलेज इन मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर अब नीचे आपको स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जो कि मिर्ज़ापुर वाराणसी रोड शमसापुर चुनार में स्थित है। और दोस्तों ये जो कॉलेज है ये बी फार्मा और डी फार्मा दोनों ही कोर्स को ऑफर करता है। और इसकी जो भी डिटेल होने वाली है, जो भी इसकी फ़ी वगैरह होने वाली है, आप इस नंबर पे कॉल करके कॉन्टेक्ट डिटेल्स ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कोई दूसरा कॉलेज देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि मिर्ज़ापुर में आपका एक ही कॉलेज है, एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये आपका प्राइवेट कॉलेज है डी फार्मेसी के लिए। इसी प्रकार अगर आप दूसरे किसी कॉलेज का देखना चाहें, दोस्तों मान लीजिए आपको किसी दूसरे सिटी का देखना है, मान लीजिए हम आपको कानपुर का ही दिखा देते हैं, तो जैसे ही आप यहाँ पे कानपुर पे देहात, कानपुर देहात आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नया जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ तौर पर डी फार्मा कॉलेज इन कानपुर देहात। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे है आपका संस्कृति कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन एंड स्टडीज, ठीक है, और ये आपका कानपुर देहात में ये है, भोजनीपुर कानपुर देहात उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट डिटेल तो दिखेगा ही, और ये कॉलेज भी आपका डी फार्मा और बी फार्मा दोनों ही कोर्स को ऑफर करता है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑल डिटेल पर क्लिक करके इसके बाकी जो भी डिटेल हैं वो आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखा भी देते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं दोस्तों, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको बाकी जो डिटेल होगा यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर क्या क्या आपका डिटेल है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, आपका फ़ोन नंबर तो आपको दिखेगा ही, इसके साथ साथ आपका जो ईमेल आईडी है कॉलेज का वो भी दिखेगा, कॉलेज का वेबसाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और ये किस कॉलेज के साथ एफिलिएटेड है, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ये जो कॉलेज है वो एफिलिएटेड है, यानी मान्यता प्राप्त कॉलेज है। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार कॉलेज अपना देखना है आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, प्रोवाइड करा देंगे, जिस पर क्लिक करके आप बड़े ही आसानी से आपके नियर अबाउट में, आपके क्षेत्र में, आपके सिटी में या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी कॉलेज अवेलेबल हैं, जो भी आपके नियर में हो, जो भी आपके पास में हो, आप बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि आपको इसमें 120 से भी अधिक कॉलेज देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो जो भी कॉलेज हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी इसमें सुविधा भी होगी, और छात्र अपने सुविधा के अनुसार, अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार यहाँ पे आसानी से सर्च भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको इस टाइप की वीडियो यानी कॉलेज से रिलेटेड वीडियो YouTube पर एक भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक लिए धन्यवाद।